दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि जब पूरा उत्तर भारत प्रदूषण की चपेट में है, तब देश के पर्यावरण मंत्री मध्य प्रदेश में चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब न्यायालय ने इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा चल रही है, जिसमें 5 राज्यों दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को भाग लेना था, तब केवल दिल्ली और पंजाब ने ही एफिडेविट सबमिट किया और बाकी राज्य नदारद रहे। पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए पाठक ने कहा कि जैसे ही प्रदूषण की बात आती है तो बीजेपी के प्रवक्ताओं में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में ऊर्जा आ जाती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को आर्थिक मदद के लिए आधी राशि केंद्र सरकार को देना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं दी। पंजाब में आपकी सरकार आने के पहले 72,000 जगहों पर पराली जलती थी और इस साल सिर्फ 17,000 जगहों पर ही पराली जलाई गई है। हरियाणा का कैथल सबसे ज़्यादा प्रदूषित जिला है, लेकिन इस पर भी कोई चर्चा नहीं की गई है। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। दिल्ली के शुभ सेठ की रिपोर्ट। नहीं है तो इस बार मुझे समझना पड़ेगा किस आधार पे उन्होंने क्या कहा, और निश्चित रूप से जो भी उन्होंने कहा होगा उसको हम एनालिसिस करेंगे, समझेंगे और फिर एक अपनी राय बनाकर आप लोगों के बीच में आएंगे। नीतीश कुमार का एक विवादित बयान इस वक्त महिलाओं के प्रति बहुत ज्यादा चर्चा में है। NCW ने भी उस पर नाराजगी जताई है, हालांकि उन्होंने माफी मांग ली अपनी तरफ से, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है बीजेपी बिहार में। देखिए, उन्होंने माफी मांग ली है तो मुझे लगता है कि बात को भूल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम सभी लोग पब्लिक स्पेस में हैं। हम सब लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। कई बार हम अच्छी नीयत से कोई बात बोलते हैं, लेकिन वो शब्दों का चुनाव